हेलो दोस्तों, आज हम आपसे लेपाक्षी फुल डे ट्रिप प्लानिंग के बारे में बात करेंगे और कौन कौन सा पॉइंट हम कवर करेंगे। सो जो पहला पॉइंट हम कवर करेंगे वो गुडीबंडे फोर्ट लेक पॉइंट है। दूसरा जो है वो गुडीबंडे फोर्ट है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट होगा वो सबन अली लेक व्यू पॉइंट होगा। इसके बाद हम लेपाक्षी इंटर करेंगे और वहाँ पर हम तीन व्यू पॉइंट को देखेंगे। पहला व्यू पॉइंट जो होगा वीरभद्र स्वामी टेम्पल, दूसरा जो होगा नंदी स्टैचू लेपाक्षी और तीसरा पॉइंट जो लेपाक्षी में होगा वो जटायु पार्क। इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। सो लेट स्टार्ट। सो फुल डे ट्रिप में आपको ये पांच छह पॉइंट मिलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। जब हम बैंगलोर से चलते हैं तो हमें मेन रूट से हमें लेफ्ट टर्न लेना होता है, फिर हमें गुडीबंडे लेक मिलता है, फिर गुडीबंडे फोर्ट मिलता है, उसके बाद आप सबनाली व्यू पॉइंट मिलता है और लास्ट में हम जाते हैं लेपाक्षी। वहाँ पे तीन व्यू पॉइंट को हम एंजॉय करते हैं। तो फुल डे हमारा ट्रिप हो गया लेपाक्षी का, जो कि 12 से 14 घंटे लेता है। और इस ट्रिप में आप थोड़ा एग्जॉस्टिंग भी हो सकता है यह ट्रिप आपके लिए। तो ये पहला जो व्यू पॉइंट है, जब हम बैंगलोर से लेपाक्षी के लिए जाते हैं तो ये पहला व्यू पॉइंट है जिसका नाम है गुडीबंडे लेक व्यू पॉइंट, और ये सनसेट के लिए काफ़ी फेमस है। बट आप सुबह में भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इस ट्रिप के लिए एक सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको सुबह सुबह 5-6 बजे ही बैंगलोर से निकलना होगा, क्योंकि गुडीबंडे फोर्ट जब आप चढ़ाई करेंगे तो ये काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है। तो ये गुडीबंडे फोर्ट है, यहाँ पे ऊपर चढ़ाई करना थोड़ा कठिन है और 2 घंटे लगते हैं चढ़ाई करने में लगभग, और 2 घंटे नीचे आने में। ट्रैकिंग थोड़ा इसका टफ हो सकता है। आपको यहाँ जाने के लिए जरूर आपको जूते पे स्पोर्ट्स जरूर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि लगभग आपको 500-700 स्टेयर्स ऊपर जाना होता है। और स्टार्टिंग में आपको कुछ स्टेयर्स मिलेंगे, उसके बाद आपको नॉर्मल सकरे रास्ते से ऊपर जाने का जाना होता है। ये गुडीबंडे फोर्ट काफ़ी पुराना है, ये लगभग 400 साल पुराना है। इसे बारे गौड़ा ने बनवाया था और ये बोला जाता था कि वो टूलुआ डायनास्टी से थे, जो कि विजयनगर साम्राज्य के समय का है। सबसे अच्छी बात इस फोर्ट का है कि सबसे टॉप पर यहाँ भगवान शिव की एक मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग 108 ज्योतिर्लिंग माना जाता है उसमें से एक है। यह फोर्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि यह अपने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काफ़ी फेमस है। ऐसा बोला जाता है कि ऊपर में आपको 18 वाटर रिजर्वायर बनाए गए हैं, जो कि लगभग 3 लाख वाटर एक साथ स्टोर कर सकते हैं, और ये उस समय की बायरेगौड़ा की जो थॉट प्रोसेस है उसको दर्शाता है। फोर्ट के टॉप से आप गुडीबंडे लेक जो रिजर्वायर है उसे आप काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली एक बार ये ट्राई करना चाहिए। बेटर होगा अगर आप अर्ली मॉर्निंग में जाएं, क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो सकता है आफ्टरनून टाइम में। और बेटर होगा अगर आप ग्रुप में जाएं, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई में आपको कभी रास्ते बहुत पतले मिलते हैं, काफ़ी सकरा लगता है, हल्का सा जंगल टाइप का ऊपर दिखेगा जाते समय, तो थोड़ा सा आप स्केर्ड भी हो सकते हैं। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी लोकल से भी वहाँ पर रास्ता पूछ सकते हैं स्टार्टिंग में इस गुडीबंडे फोर्ट जाने के लिए। बट ऊपर का व्यू काफ़ी अच्छा होता है, आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए जब आप लेपाक्षी के लिए निकलते हैं। तो ये जाने के रास्ते हैं, आप देखेंगे कभी आपको प्रॉपर सीमेंटेड स्टेयर्स मिलेगा, कभी स्टोन स्टेयर्स मिलेंगे, और कभी आपको कुछ नॉर्मल सा स्टेयर्स मिलेगा। ये ऐसे आपके व्यू आते हैं रास्ते में, ये थोड़ा सा जंगल टाइप का आपको दिखता है, बट टॉप पे जो व्यू होता है वो काफ़ी सुंदर होता है। आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए अगर आप गुडीबंडे फोर्ट या लेपाक्षी जा रहे होते हैं। तो सबसे टॉप में भगवान शिव का एक मंदिर है, और आपको कुछ टॉप व्यू के कुछ आपको मैं फोटोज दिखाता हूँ, ये देखिए कितना सुंदर है। तो लेपाक्षी जब फुल डे का ट्रिप प्लानिंग करें तो आपको जरूर कोशिश करना चाहिए गुडीबंडे लेक होकर जाने के लिए, गुडीबंडे फोर्ट होते हुए, जो कि चिक्कबलापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कर्नाटक में। ये टॉप से ली गई तस्वीरें हैं। आपको रिजर्वायर गुडीबंडे जो लेक है वो दिख रहा है सामने से। जो अगला पॉइंट जब हम लेपाक्षी की तरफ बढ़ते हैं तो सबन अली लेक आता है, जो कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। आप यहाँ देखेंगे काफ़ी सुंदर, ये पिकनिक स्पॉट भी है और मेन रोड के जस्ट बगल में है, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जब आप लेपाक्षी जा रहे होते हैं गुडीबंडे फोर्ट से तो रास्ते में आपको ये लेक मिलता है। यहाँ पर आप थोड़ा देर रुक कर आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छे, काफ़ी अच्छे फोटो आते हैं। वहाँ जहाँ व्हीकल लगा है वहाँ पे जाके आप काफ़ी अच्छे फोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पानी का स्पीड थोड़ा बेटर होता है, थोड़ा तेज होता है, तो आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए पानी में जाना।
इसके बाद जो आपको अगला पॉइंट मिलेगा वो लेपाक्षी मिलेगा। और लेपाक्षी में आपको जैसे मैंने पहले की दो वीडियो में दिखाया था कि पहला पॉइंट वीरभद्र स्वामी टेम्पल जबकि जो कि 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और दूसरा जो वीडियो में हमने दिखाया था जटायु पार्क के बारे में और नंदी स्टैचू के बारे में। तो ये पूरा एक दिन का ट्रिप प्लानिंग रहा आपका बैंगलोर से लेपाक्षी का, और इस बीच में आपको दो तीन जो पॉइंट दिखे अभी मैंने आपको बताया। तो जब भी आप लेपाक्षी का ट्रिप का प्लानिंग कर रहे हो तो आप ये सब बातों को ध्यान रख सकते हैं। बैंगलोर से ये मस्ट विजिट प्लेस वीकेंड से फॉर लेपाक्षी। लेक काफ़ी अच्छा है, आपको डेफिनेटली इधर से ही जाना चाहिए इस रूट से। एक दूसरा भी रूट है जो कि आपने मैंने स्टार्टिंग में मैप में दिखाया था, उस रूट से भी आप जा सकते हैं, बट उसमें आपको ज़्यादा व्यू पॉइंट्स नहीं मिलते। बट अगर आप गुडीबंदे होके जाते हैं तो आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट मिलते हैं। ये नंदी स्टैचू, जटायु पार्क, इसके बारे में हमने अपने पिछले दो वीडियो में दिखाए थे लेपाक्षी का, आप उसे ज़रूर देखें। लिंक उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। ये जटायु पार्क है, ये जटायु पार्क के टॉप से आप ये सामने में वीरभद्र स्वामी टेम्पल को देख सकते हैं। इन सब के बारे में डिटेल से मैंने बाकी के दो वीडियो में बता रखे हैं अपने, आप वहाँ जरूर जाएं और जाकर वहाँ देख सकते हैं। कॉस्ट एंड टाइमिंग की बात करें तो बैंगलोर से मैं कॉस्ट की बात करूँगा। बैंगलोर से 120 किलोमीटर पे है वीरभद्र स्वामी टेम्पल और लेपाक्षी। सो अगर छोटे कैब से जाते हैं तो 3,000-3,500 लगेगा, और बड़े कैब से 4,500-5,000 लगेगा। बेटर होगा अगर आप सितंबर से मार्च के बीच में जाओ, उस टाइम गर्मी कम होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।